सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज हम जा रहे हैं अलोपन, मतलब वहाँ रावण भी जलेगा ना, तो इसलिए हम जा रहे हैं और हमारे साथ आकाश और आशीष भी है। हाय गाइज, तो हम लोग जाएंगे आपको भी दिखाएंगे मतलब वहाँ का मतलब कितना अच्छा नज़ारा है। चलो भाई जा रहे हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर है, मतलब 2 किलोमीटर है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि साइकिल से जाते तो जल्दी पहुँच जाते और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए पैदल जा रहे हैं। आराम से घूमते घूमते जाएंगे और मतलब वहाँ नदी भी है किनारे में, मंदिर भी है वहाँ, तो आपको दिखाएंगे क्योंकि मेरा 7th व्लॉग वहीं का था, तो आज आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे वहाँ की। हेलो गाइस, हम रावण देखने जा रहे हैं अलोपन, वहाँ पास अलोपन में रावण जलेगा, तो वहाँ पास हम देखने जा रहे हैं। अभी यहाँ पास स्टैंड पहुँचे हैं, वहाँ पास अभी 2 घंटे और लगेंगे और पहुँच जाएंगे, फिर आपको रावण भी दिखाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं मतलब अभी रास्ते में, आपको अपना गांव भी दिखाते हैं, बट अभी मैं इस वीडियो में आपको अपना गांव नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक पार्टिकुलर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें केवल पूरा गांव ही रहेगा, तो टूर ऑफ विलेज नाम रखूंगा। सो गाइज हम लोग रास्ते में हैं, बट थोड़ा वो धूप हुई है तो हमारे मोबाइल कैमरा अच्छा नहीं है, तो ब्लॉग अच्छा नहीं आ रहा, बट हो गया बनाना, तो इसी से तो बना रहे हम लोग। सो गाइज हम लोग मेन रोड पहुँच चुके हैं, अब मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर और बाकी है, तो अंदर जाना पड़ेगा बगीचे साइड, तो वहीं से जाएंगे हम लोग। आशीष कितने सिर होते हैं रावण के? 1, 2, 3, 4 होते हैं। 4 होते हैं? सही सही ठीक। आशीष कहाँ से जाना है? कहाँ से? एक इधर से, इधर से, हाँ, इधर से भूल गए थे। अभी रास्ता पता नहीं आगे आगे चल रहा है, ये देखिए। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, मतलब मेन रोड क्रॉस हो चुके हैं, अब मेड से जा रहे हैं हम लोग खेत होके, यहाँ कीचड़ ही बहुत है और ऊंच नीच भी है, तो हम लोग को डर रहा लग रहा है कहीं गिर ना जाए, और ऐसी आगे आगे चल रहा है, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, बस थोड़ा ही करीब, मतलब 500-600 मीटर और बाकी है, एक नदी पड़ेगी वहीं पास है अलोपन, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। भाई ये देखिए कितना कीचड़ है, हाँ ये लोग कैसे जा रहे हैं, हमको भी यहीं से चलना पड़ेगा। आशीष तो निकल गया, अब हम निकलने तब ना। आशीष बोल अरुणाचल प्रदेश। सो गाइस हम लोग करीब ही है, मतलब वहाँ डीजे लगा है, तो वहाँ डीजे की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, मतलब बहुत दूर नहीं, पास ही में है, तो पहुँचने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे वहाँ का पूरा, मतलब अच्छा नज़ारा दिखाएंगे आपको वहाँ का। सो गाइस उस बार आए थे तो यहाँ की तिली कच्ची थी, और इस बार जा रहे हैं तो यहाँ की तिली पकी हुई है, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं। और ये जा रहे हैं आशीष आगे आगे, उसको कुछ ज़्यादा उतावला है यहाँ पर, क्योंकि देखा नहीं एक बार भी, देखो और सो गाइस हम लोग एकदम खेत, दोनों खेत के बीचों बीच, मतलब मेड़ ही है और कुछ दिख भी नहीं रहा है, आपको दिखा देते हैं कैसी रास्ता है यहाँ, आज से आपको भी पता चल जाए। ये देखिए गाइस कितना अच्छा रास्ता दिख रहा है, मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, मतलब अंदाज में हम लोग चल रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। सो गाइस ये रहा रावण, इसको सब लोग खड़ा कर रहे हैं, अभी 12 बजे तक में चलेगा, इसलिए अभी खड़ा कर रहे हैं इसको, और ऊपर इसके छतरी लगी हुई है, और इसके 10 सिर है, और ये सब लोग आदमी खड़े हुए हैं, खड़ा कर रहे हैं रावण को, और कुछ लोग देखते हुए बैठे हैं, देखिए। उधर सजा हुआ है क्योंकि उधर बजरंग बली का मंदिर है, तो सजा हुआ हुआ वहाँ, और ये सब लोग बैठे हैं, और हमारे भैया लोग उधर खड़े हैं प्रवासी लोग, और इन्होंने खड़ा है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं नदी, क्योंकि आशीष देखना चाहता है नदी, क्योंकि वो देखा नहीं है अभी नदी, तो हम लोग जाएंगे नदी और दिखाते हैं आप लोगों को भी नदी यहाँ की, और हमारा दोस्त भी है साथ में। भाई आज नदी भी बहुत तेज़ चल रही, क्योंकि पानी बरसा है कल और 2-3 दिनों पहले ही बरसा है, तो नदी तेज़ चल रही, इसलिए नदी में जाएंगे नहीं, दूर से ही दिखाएंगे। सो गाइस ये रही नदी, और वो आशीष खड़ा है, आशीष इधर ही रहना ठीक। ये देखिए दोस्तों,
उस बार आए थे थोड़ा कम पानी था और नदी में भी खड़े थे हम लोग, बट इस बार बहुत ज़्यादा पानी, इसलिए ज़्यादा हम अंदर जाएंगे नहीं, दूर से ब्लॉग बना रहे हैं। सो भाई ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। उस समय हम लोग आए थे तो पानी नहीं था ज़्यादा क्योंकि पानी बरसा नहीं था, और इस बार आए तो पानी ही पानी है क्योंकि पानी बरसा भी है, कल बरसा है। और ये देखिए यहाँ दूसरे गाँव के लोग इस गाँव आ रहे हैं मंदिर में, मंदिर देखने, और यहाँ रावण भी चलेगा तो रावण भी देखने आ रहे सब लोग, एकदम बीच नदी से नदी को पार करते हुए आ रहे हैं। इधर वो आकाश बैठा वहाँ पास और हिमांशु बैठा है, और ये देखिए कितना अच्छा पानी बह रहा है, और इधर बढ़िया सजा है क्योंकि मतलब मंदिर भी है और बजरंग बली की, और साथ में रावण भी है तो यहाँ सजा रहे हैं सब। और यहाँ कुछ दुकानें खुली हैं छोटी मोटी, और वहाँ फुल्की की दुकान खुली है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक तो जादुई नल, मतलब वहाँ अपने से पानी बह रहा है, ये देखिए गाइस, मतलब नीचे से अपने से बह रहा, ऊपर से नहीं चलता लेकिन नीचे से चलता अपने से, और ये फिर चलाने जा रहा है, इधर से भी चल रहा है इधर से भी चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। और ये लोग पैर धुलने लगे हैं वहाँ से लोग, आशीष चला रहा है ना तो ये पिएगा पानी अभी। तो भाई हम लोग रुके हैं प्रसाद लेने के लिए क्योंकि प्रसाद बटेगा, प्रसाद ले लेते फिर जाते घर। तो भाई हमें मिल गया प्रसाद, ये रहा, और वो आशीष भी खा रहा था प्रसाद, तो हम लोग डायरेक्ट घर के लिए निकल लेंगे। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट अगले ब्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लें जिससे मेरी ऑल वीडियो आप तक पहुँचती रहे।